हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज रात भर मैं सोया नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। मुझे बहुत मन कर रहा था कि ये जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में मैंने शुरू किया था, उस कॉन्सेप्ट को और आगे मैं बढ़ाऊं। मन तो कर रहा था पिछली क्लास में सारी बातें समझा दूं, लेकिन अपने आप को किसी तरीके से रोका, क्योंकि एक दिन में सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको याद होगा मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, कि हमारे जो एसेट्स हैं और हमारे जो एक्सपेंसेज हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आपका इंक्रीज करता है, अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज करता है, तो आप याद कीजिए मैंने कहा था कि आप इनको डेबिट के नाम से जानेंगे। और इनमें से कोई भी चीज अगर आपका डिक्रीज करता है, नीचे की तरफ आता है, तो आप इसे क्रेडिट करेंगे। ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। मैंने कहा था डेबिट क्रेडिट आपके जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इंक्रीज डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके आपके हैं। हमने एंट्री भी आपको समझाया था पिछली क्लास में, लेकिन मैंने बड़ा सेफ गेम पिछली क्लास में आपके साथ खेला था। मैंने जितने सारी एंट्रीज किए थे उनमें उन्हीं नाम को हमने डाला था जो नाम या तो आपका एसेट्स था या फिर आपका एसेट्स था, और तो कुछ नाम लिया नहीं था हमने। बढ़ने वाला आइटम भी आपका एसेट्स था और घटने वाला आइटम भी आपका एसेट्स था। हाँ, मैंने आपसे कुछ कमिटमेंट लिए थे कि अगले 3-4 क्लास तक, जब तक हमारी जनरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप कोई भी दिमाग में इफ और नहीं आने देंगे। आपको मुझ पर पूरा रिलाय करना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं एंड जो पढ़ाएंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट हमें सिखाएंगे। आइए उसी प्रोसेस में आज हम बढ़ते हैं, और आज हम एक्सपेंसेज के बारे में भी थोड़ा समझना शुरू करेंगे। आप लिख लो, ऐसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है, फिर भी लिख लो। अगर कोई पूछे कि एसेट्स में और एक्सपेंस में क्या फर्क है, तो दुनिया वाले कुछ भी कहें, बाकी बच्चों से पूछोगे ना कि यार एसेट्स क्या होता है, वो कहते हैं मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, ये है, वो है। आप नहीं बोलना, आप कहना कि हमारे सर ने तो ये बताया है कि एसेट्स का मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट हम कब लेते हैं जी, फ्यूचर में। आप लिखो ना मेरे साथ, लिखो, आप पहले से कर चुके हो, फिर भी लिखो। जितनी बार हम चीजें लिखते हैं उतनी बात हमें जल्दी याद हो जाती है। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा वो सारे एसेट्स होते हैं, चाहे वो मेरा मार्कर हो, चाहे वो मेरा कैलकुलेटर हो, चाहे वो मेरा आपका ये आपका क्या बोलते हैं वो रिमोट हो, चाहे वो एसी हो, चाहे मेरा कैमरा हो, चाहे ये बिल्डिंग हो, चाहे मेरा ये शर्ट हो, कुछ भी जो फ्यूचर में यानी कि आने वाले कल में जो मुझे बेनिफिट देगा वो सारे मेरे एसेट्स होते हैं, और हाँ, कोई पूछे फिर एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलना एक ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑलरेडी टेकन, जिसका मैं बेनिफिट ले चुका हूं वो मेरा एक्सपेंस होता है। मेरे बच्चे, हमने कहा था कि जो वैल्यू आगे बेनिफिट देगा वो हमारा एसेट्स होता है, जो आपका बेनिफिट ले चुका उसको एक्सपेंस। और मेरी पहली दूसरी क्लास अगर याद हो तो हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था और इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा था। आपको याद होगा मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट लेना, पैसा पे करना या पैसा पे नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं बनता। जिस वर्ष में हमने बेनिफिट लिया उस वर्ष में हमारा एक्सपेंस बोला जाएगा। मैं पूरी बात यहां लिखता हूं ताकि आपको बाद में मुझसे झगड़ा करने का मौका ना मिले। एक्सपेंस का मतलब क्या है, जिस वैल्यू का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर हमने कहा था इट डज नॉट मैटर, मैंने ये बातें लिखा हुई है आपको, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि वेदर whether पेमेंट हैज बिन मेड और नॉट, पेमेंट जो आपका हैज बिन मेड और नॉट, चाहे आपने पेमेंट किया है चाहे आपने पेमेंट नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट को एंजॉय करना। ये बातें मैंने आपको बताई थी मेरे बच्चे। आज मैं आपको जनरल एंट्री में एक्सपेंस के नाम को भी लेकर आऊंगा, लेकिन बाकी बच्चों से हटते हुए कॉन्सेप्ट, मेरा एक ही मकसद है, मैंने कसम खाया हुआ है आपके कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग करूंगा कि बस दुनिया में आप ही रह जाओगे, आप ही, और तो सब छोड़ो और कौन क्या, मुझे उसका मतलब ही नहीं बनता। आओ जरा मैं आपको समझाऊं, जरा आज मैं एक्सपेंस वर्ड को आपको थोड़ा तरीके से समझाऊं।
एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सर आपने समझाया तो था सर, वो जो हम रेंट पे कर रहे हैं बिल्डिंग का, हम जो सैलरी पे कर रहे हैं बिल्डिंग का सॉरी एम्प्लॉय का, हम जो कमीशन पे कर रहे हैं, हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस सर। आपने कहा था कि एक साल में जितना आपने बेनिफिट ले लिया, उस बेनिफिट को जो आपने एंजॉय किया, उसको एक्सपेंस कहते हैं। अब नाम मैं क्यों बोलूं? आप जानते कुछ नाम आप ही बताओ ना, मैं आपके शब्द में खुद बोलता हूं। बताओ एक्सपेंस का कुछ एग्जांपल बताओ, बोलो बोलो। तो सर रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वेजेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और बताओ एक्सपेंस का नाम। एडवर्टीजमेंट कराना, कंपनियां एडवर्टीजमेंट कराती है, एड कराया आपका, एक साल का एड हुआ और काम खत्म, एडवर्टीजमेंट कराया, और बताओ, और बताओ और क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना बच्चे, हमने एक महीने में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसका बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल भी तो आता है आपका। आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस, कम आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको बताऊंगा कि हम जो सीए सीएमए सीएस होते हैं ना, हमारे पास कुछ ऑडिट करने के अधिकार होते हैं। ऑडिट का मतलब कि अकाउंट्स चेक करने का। तो ऑडिट जब हम करते हैं, कोई अकाउंट्स चेक करते हैं, उसके कुछ चार्जेस लेते हैं, तो उसको भी कहेंगे जी आपका ऑडिट फीस कहते हैं आपका, है ना। बहुत तरीके के, डॉक्टर आपसे चार्ज लेता है, डॉक्टर को भी आप जब बीमार हो जाते हो, आपके हाथ पर बिल्कुल आपके मतलब टूट जाते हैं, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर आपसे लेता है फीस, वो भी आपका एक्सपेंस है। ये नाम तो आपको पता है कि रेंट सैलरी कमीशन वेजेस जितने सारे नाम है वो सब एक्सपेंस होते हैं, लेकिन अकाउंट्स में जब हम एक्सपेंस को इन डेप्थ समझते हैं मेरे बच्चे, तो बातें थोड़ी सी अलग हो जाती है। अलग ना कह के मैं कहूंगा कि और कॉन्सेप्चुअल हो जाती है तो बात ज्यादा अच्छा लगेगा। आओ जरा मैं आपको समझाऊं एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। आज हम वो बातें समझेंगे जो सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं। ये देखो मैं कुछ बता रहा हूं मेरे बच्चे, ये एक समय है, ये एक टाइम पीरियड है। मान लो ये टाइम पीरियड आपका 1 अप्रैल से लेकर आपका 30 अप्रैल तक का है। मान लो, मैं कहता हूं कि मान लो अप्रैल का महीना चल रहा है, और मैं ये सारे वर्ड जो स्टडी कर रहे हैं, मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, एक फर्म के लिए मैं स्टडी कर रहा हूं, एक फर्म के लिए मेरे बच्चे। मान लो, चलो मैं उसका नाम दे देता हूं, सपोज की टाटा कंपनी, टाटा के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, टाटा एक मान लो कंपनी है, और टाटा के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, ये सारे वर्ड्स। आप मुझे बताओ ना, कल को जब आप सीए सीएमए सीएस बन जाओगे, आज तो छोटे बच्चे हो, बाद में थोड़े रहोगे, आपको बड़ा बनना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, बड़ी डिग्री को लेना है, तो कल को सीए सीएमए या सीएस जब बन जाओगे, तो बताओ जरा आप किसके किसके मतलब अकाउंट्स को संभालोगे? सर टाटा कंपनी के, आप इसके संभालोगे मेरे बच्चे। ये लो मैंने आपका पिक्चर बना दिया, ये आपका फोटो है, ये रह गए आप इस कंपनी के अकाउंटेंट, यानी कि आप अपने आप को टाटा मानना, टाटा कंपनी का अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, यानी कि आप टाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब भी मैं बात करूंगा आपकी, यानी कि टाटा की बात कर रहा हूं, जब मैं टाटा की बात करूंगा यानी कि आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आप टाटा कंपनी के अकाउंटेंट हो, आप उनका अकाउंट संभाल लो। मेरे बच्चे मैं जो हूं ना, मेरा नाम मिस्टर ए है मान लो, और मैं इस कंपनी का इंप्लॉय हूं, मैं इस कंपनी का इंप्लॉय हूं, मैं इस कंपनी में काम करता हूं। इंप्लॉय को हम क्या पे करते हैं? सैलरी आपका, ठीक है ना। तो मैं एक इंप्लॉय हूं, और मैंने क्या किया, आपके पास काम करता हूं मैं। मेरे बच्चे मैं पूरे अप्रैल के महीने में मैंने आपके पास काम किया, पूरे महीने आपके पास काम किया, पूरे महीने, और बहुत मेहनत से काम किया। जब मैंने पूरे महीने काम कर लिया, तो एंड में आपके पास आया, बोला कि टाटा भैया हमने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो ना, काम किया सैलरी पे करो। तो जरा बताओ, हमने कहा कि पूरे महीने काम किया मेरी सैलरी पे करो, जरा बताओ कि आपने यानी कि टाटा ने मुझे यानी कि इस एम्प्लॉय को क्या पे किया? बोलो क्या पे किया? सैलरी पे किया। मेरे बच्चे अगर आपका दिमाग कहता है कि सैलरी पे किया, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हो, और आपका जवाब मैं गलत नहीं बोलूंगा कि आपने गलत जवाब दिया, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो ये जवाब सही नहीं है। पता है, अकाउंट्स का नॉलेज अगर हो तो हम क्या बोलेंगे, जरा सुनना। मैंने पूरे महीने आपके पास काम किया, एंड में बोला कि मैंने काम किया, मेरी सैलरी पे करो, तो आपने मुझे क्या पे किया? मत कहना आप दुनिया को कि आपने सैलरी पे किया, आप कहना कि मैंने कैश पे किया। अरे आपने मुझे कैश दिया होगा ना,
मान लो मेरी सैलरी 10,000 है तो आप मुझे क्या पे करोगे, कैश पे करोगे? कभी देखा है क्या आपने कि सैलरी कैसा होता है, लाल पीला हरा काला? बताओ जरा सैलरी का कलर कैसा होता है, कभी देखा आपने? नहीं सर, नहीं, हमने नहीं देखा। तो मेरे बच्चे, अगर मैंने आपके पास काम किया, एंड में आके बोला कि मैंने काम किया, मेरी सैलरी पे करो, तो आपने जो मान लो 10,000 पे किया ना, ये 10,000 आपने कैश पे किया मेरे बच्चे, कैश पे किया। और आप जानते हैं कि कैश हमारे अकाउंट्स में क्या होता है जी, एक एसेट्स होता है। कैश हमारा एसेट्स, जो आपने पे किया, चला गया आपके पास से कैश, चला गया। मेरे बच्चे, जब आपने 10,000 कैश पे किया ना, तो अकाउंट्स आपसे पूछेगा कि ये 10,000 आपने क्यों पे किया, रीजन बताओ, क्यों पे किया तुमने, बताओ आप क्यों? बताओ जी, क्योंकि अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कुछ आएगा जाएगा तो उसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा। जरा बताओ, आपने जो 10,000 पे किया, इस 10,000 के बदले में आपने मेरा बेनिफिट ले लिया है कि अभी आगे लेना है? बोलो, आपने जो 10,000 पे किया, इस 10,000 के बदले में आपने मेरा बेनिफिट ले लिया कि अभी लेना है? सर ले लिया, सर हमने आपसे काम ले लिया, सर काम ले लिया। मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे काम ले चुके हो, अगर आप बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो, तो इस पैसे के जाने के पीछे का जो रीजन होगा ना, जो रीजन होगा वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। आप कहना कि देखो जी, 10,000 मेरा एक्सपेंस हो गया, 10,000 एक्सपेंस हो गया। गया क्या? कैश गया। क्यों कैश गया जी? क्योंकि एक्सपेंस हो गया, हमने बेनिफिट एंजॉय कर लिया तो हमारा एक्सपेंस हो गया आपका। देखो, एक लड़का जिसके हजारों नाम होते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, पता नहीं क्या, बिट्टू, आपका तुर्की, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं ना नाम बच्चे। सर हां, वैसे ही मेरे बच्चे एक्सपेंस भी एक लड़का है, इसके भी हजारों नाम है। कभी हम इसको रेंट बोलते हैं, कभी इसको हम सैलरी बोलते हैं, कभी कमीशन बोलते हैं, कभी वेजेज बोलते हैं, कभी ऑडिट फी बोलते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बोलते हैं, कभी टेलीफोन चार्ज बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं, लेकिन है तो एक्सपेंस ही ना। जरा बताओ, अभी इस एक्सपेंस को मैं किस नाम से पुकारूंगा? तो सैलरी के नाम से पुकारूंगा, क्योंकि इसको सैलरी दिया गया है। आप दूसरों से हटके बात करो। जरा बताओ, आपने क्या पे किया? सर हमने कैश पे किया। क्यों कैश पे किया? क्योंकि सर हमने बेनिफिट ले लिया, और अगर आपने बेनिफिट लिया तो आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट लेना ही आपका एक्सपेंस होता है मेरे बच्चे। तो एक्चुअली क्या हुआ, अकाउंट्स में कैश चला गया और आपका एक्सपेंस बढ़ गया, कैश चला गया, एक्सपेंस बढ़ गया, मुझे इसको एंट्री में कन्वर्ट करना है, एंट्री में। सुनो ना, आप ये डायग्राम बनाना, आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा समझने में। मेरा कैश डिक्रीज कर रहा है, ये देखो एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। आप मुझे बताओ, एसेट्स डिक्रीज करेगा तो एसेट्स को डिक्रीज करना क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या मेरे बच्चे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यही लिखो। अब थोड़े हम बच्चे रह गए, पिछली क्लास में थोड़े छोटे थे, मानता हूं कि जहां पे हमने पहले आपका जनरल लैंग्वेज लिखाया, फिर आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज लिखाया, फिर एंट्री, अब तो हम एंट्री कर सकते हैं फटाफट। तो आप कहना कि भैया मेरा कैश कम हो गया, मतलब क्रेडिट करना होगा। और ये देखो, एक्सपेंसेज आपके बढ़ रहे हैं, बेनिफिट आपने ले लिया, बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेज बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। यहां देखो, अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंसेज जो बढ़ रहा है, हमें एंट्री में इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। हो गई बात? ये कौन सी बड़ी बात है यार, अरे कौन सी बड़ी बात है ये? तो अगर मैं रोड पे चला जाऊं और किसी दुकान वाले से पूछूं कि जरा बताओ जी कि आपने मुझे क्या पे किया, तो बोलेगा कैश पे किया। हाँ, उस कैश के बदले में बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस आपका हो गया। तो क्या जी, यहां पे आओ ना, मैं इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूं। आओ जरा, मैं इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूं। मुझे बताओ, जर्नल एंट्री में ऊपर में क्या लिखा जाता है, डेबिट वाला आइटम कि क्रेडिट वाला? सर डेबिट वाला, सर अब डेबिट वाला। तो आप एक काम करो, एक्सपेंस में जो नाम है ना, वो नाम लिखो, क्योंकि नाम बताना होगा। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, सैलरी अकाउंट को, और हाँ, सैलरी के आगे हम क्या लगाएंगे? अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट। आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था अकाउंट, लेकिन शॉर्ट में लिखो। और जरा बताओ, डेबिट को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? डीआर।
डीआर फॉर डेबिट आपका, ठीक है ना। अब बताओ जिसको हमें क्रेडिट करना है क्या उसके आगे क्रेडिट लिखूंगा? नहीं सर, क्रेडिट वाले को हम कैसे पहचानते हैं जी? उसके आगे टू लिखा होता है, टू लिखा होता है। कौन सा नाम है आपका जी? कैश, तो टू कैश अकाउंट। हमें वो पर्टिकुलर नाम बताना होता है बच्चे, क्योंकि ये तो बड़े बड़े वर्ड है, इनके अंदर में जो नाम आता है उसको बताना होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जरा बताओ कितने से सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया? 10,000। और कैश कितना चला गया? 10,000। लो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। क्यों नहीं हम समझ पाएंगे? क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्यों क्यों दुनिया से हम पीछे रहेंगे? अरे ये तो बहुत सिंपल बात है। कोई पूछे कि जरा बताओ सर ने जो काम किया उस समय आपने क्या पे किया? बोलना कैश पे किया। क्यों कैश पे किया? क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। मेरे बच्चे सैलरी जो है ना, सैलरी रेंट कमीशन, ये एक आपका रीजन है, जो पेमेंट किया उसके पीछे का रीजन है। हमने कभी सैलरी को देखा नहीं है, हम तो कैश को देखे हैं, हमने कभी रेंट को नहीं देखा। लेकिन एक नाम तो दिया जाएगा ना, जब भी पैसा जाएगा, जब भी पैसा जाएगा तो रीजन नाम बताना पड़ेगा, वही नाम आपका सैलरी कमीशन आपका होता है। आओ ना मैं और आपको समझाऊंगा, मुझे आज बहुत समझाने की भूख है, बहुत समझाने की भूख है। ये एग्जाम्पल नंबर वन आपका हो गया। आओ जरा मैं अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर टू सर, आप इस एंट्री में मिस्टर ए का नाम नहीं लिखोगे? नहीं बच्चे, बच्चे नाम नहीं लिखते हम। नाम हम अपने अकाउंट्स में तब किसी का लिखते हैं जब उससे कुछ बकाया होता है, ये बात ध्यान रखना, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। मैं अकाउंट्स में नाम किसी का तब यूज करूंगा जब उसको बकाया है, मुझे पे करना है, मुझे उससे कुछ लेना है, उसके नाम की रिक्वायरमेंट है। अब क्यों नाम लिखूंगा? हमने कहा कि भैया अब तो हमने पे कर दिया तो कैश चला गया, अब आपके नाम से क्या मतलब है, और हमने एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड किया। आइए जरा अब मैं एग्जाम्पल नंबर टू, ये देखिए आप जरा बताओ, ये देखो यहां पे अब मैं बात करता हूं। आप कौन हो? सर टाटा, टाटा के आप हो अकाउंटेंट, ये बात ध्यान रखना। मैं कौन हूं जी? मैं मान लो यहां पे आपका मिस्टर ए हूं, मिस्टर ए, लेकिन यहां तो मैं आपका एम्प्लॉय था, यहां पे मैं आपका एम्प्लॉय था मेरे बच्चे, यहां पे मैं आपका वर्कर हूं, वर्कर हूं। फर्क है एम्प्लॉय में वर्कर में। एम्प्लॉय जो होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं मेरे बच्चे, हम इनको इनको हम सैलरी पे करते हैं। लेकिन वर्कर्स जो मजदूर होते हैं हम उनको वेजेस पे करते हैं। मजदूर को क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। वेजेस आपका है ना, आप जानते होंगे इस बात को क्योंकि बहुत बार सुना होगा आपने। अब देखो ना क्या हुआ, मिस्टर ए मतलब मैंने क्या किया, पूरे अप्रैल के महीने में आपके पास काम किया, पूरे महीने मैंने काम किया, पूरे महीने एंड में आपके पास आया, मैंने कहा कि देखो जी मैंने पूरे मैंने काम किया, मेरी मजदूरी पे कर दो, गरीब इंसान हूं मुझे मजदूरी दे दो। 5,000 रुपए मेरी मजदूरी थी यानी कि वेजेज आपका। मैंने कहा कि मुझे 5,000 मेरा वेजेज पे कर दो। जरा बताओ आपने क्या पे किया? बोलो बोलो क्या पे किया आपने? सर हमने कैश पे किया। अब ना कहना कि हमने वेजेज पे किया, क्योंकि वो हम आपके पास से यानी कि टाटा के पास से क्या गया? कैश गया मेरे बच्चे। तो टाटा क्या कहेगा कि भैया हमने 5,000 रुपए कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया। बताओ कैश आपका क्या होता है? सर एक एसेट होता है, कैश तो एसेट है, आपने कैश पे कर दिया। लेकिन जब आप कैश पे करोगे ना तो अकाउंट्स आपसे पूछेगा कि आपने ये 5,000 क्यों पे किया, क्यों पे किया, रीजन बताओ। तो आप मुझे बताओ इस 5,000 के बदले में आप मेरा बेनिफिट ले चुके हो कि अभी लेना है? सर ले चुके हैं। अगर आप ले चुके हैं तो इस पैसे के जाने के पीछे का रीजन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया 5,000 जो है ना मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। और हाँ इस बार इस एक्सपेंस का नाम क्या है जी? वेजेज आपका है। इस लड़के का नाम क्या है? वेजेज है। सैलरी होगा तो सैलरी बोलूंगा, वेजेज तो वेजेज बोलूंगा, रेंट तो रेंट बोलूंगा, क्या फर्क पड़ता है, है ना। तो आप देखो यहां पे क्या हुआ, इस बार कैश चला गया और आपका एक्सपेंस जो हुआ उसका नाम क्या रिकॉर्ड गया आपका ये। अगर जरा बताओ कोई बाहर वाला पूछ दे कि जरा बताओ कि आपके पास ये क्या किया आपने, इसका क्या मतलब है, तो आप उनको बताना कि भैया हमारे पास से कैश चला गया। लेकिन जब कैश चला गया तो आखिर कैश जाने के पीछे का रीजन क्या है, तो आपने बोला कि मेरा एक्सपेंस हो गया। तो कैश गया क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया, ये हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया। जब भी कुछ आएगा जाएगा आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। आपको कितनी छोटी बात लग रही है ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, नहीं पता होता किसी को
कि एक्चुअली डबल एंट्री में हम कर क्या रहे हैं, बस वो करे जा रहे, बट ऐसे काम थोड़े ही चलता है। तो आप मेरे बच्चे, कैश चला गया और हमारा क्या हो गया जी, एक्सपेंस आपका हो गया। सुनो ना, कैश जो कि आपका एसेट से कम हो रहा है, बताओ एसेट्स का कम होना क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? सर, क्रेडिट। अब तो आपको याद हो गया होगा। और एक्सपेंस का बढ़ना क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट आपका, डेबिट। तो मुझे बताओ चला एंट्री क्या बन जाएगा? सर एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस के उस नाम को लिखो, कौन सा नाम है? वेजेज। हम वेजेज अकाउंट को यहां पे डेबिट करेंगे। और कैश चला गया, कैश हमारा एसेट से कम होना क्रेडिट किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आपका हो गया जी? 5000 का हो गई बात है। वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। अब मैं आपको ऐसे समझाने के बजाय अब मैं आपको क्या करूंगा, आपको अब सेंटेंस दूंगा। तो वन एंड टू तो हो गया, आओ जरा अब मैं थर्ड एग्जांपल पे आता हूं। ये सारी बातें जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे ही आपने कॉपी करनी है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे वैसे ही कॉपी करनी है, तभी तो बात बनेगी। आओ ना मैं आपको दिखाऊं यहां पे एग्जांपल नंबर 3 आपका, थर्ड एग्जांपल। सुनो मेरी बात, अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल दिखाता हूं, थर्ड एग्जांपल क्या निकल के आएगा। थर्ड एग्जांपल ये देखो आप यहां पे। अब मैं कहता हूं कि फर्म पेड रेंट ₹25,000। अब सेंटेंस में आओ, अब यहां समझना शुरू करो। फर्म ने रेंट पे किया। सर ये ऐसे क्यों कहा जाता कि हमने रेंट पे किया? क्योंकि हम जनरल लैंग्वेज बच्चे, हम अकाउंटिंग की बात नहीं करते हैं, तो कहते हैं भैया रेंट पे किया, बट एक्चुअली क्या पे किया? क्या आपने रेंट पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, या कैश पे किया? सर कैश पे किया। तो इसका मतलब है कि कैश आपके पास से चला गया, कितना जी? 25,000। और इस कैश के जाने के पीछे का रीजन क्या बताओगे? एक्सपेंस कौन सा? रेंट। कहना कि भैया रेंट मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, कितना? 25। क्यों एक्सपेंस बढ़ गया जी? क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया है, और बेनिफिट लेना हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम क्या बोलेंगे जी कि हमारा एक्सपेंस 25,000 हो गया। आओ ना एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। एंट्री में देखो रेंट बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है। आप बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा? डेबिट। तो मैं जर्नल एंट्री में इसको डेबिट करने वाला हूं। और कैश मेरा कम हो रहा है बच्चे, कैश हमारा एसेट्स कम होना क्रेडिट किया जाएगा, तो आप इसे क्या करेंगे? क्रेडिट में एंट्री लेकर आएंगे। आओ जल्दी से, रेंट यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एंट्री हो गया रेंट अकाउंट डेबिटेड, कितने से आपका? 25,000। और कैश चला गया, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे? टू कैश अकाउंट। बताओ कैश कितना चला गया? 25,000। लो एंट्री कंप्लीट हो गई। क्या दिक्कत है इसके अंदर में? क्या दिक्कत है? मान लो एग्जामिनर कह देता है, एग्जाम्पल 4 लिखो यहां पे, कि फर्म पेड, अब मैं एंट्री थोड़ा बड़ा करूंगा, ₹20,000 सैलरी एंड ₹30,000 रेंट। लो दो चीज पे किया, हमने सैलरी पे किया, हमने रेंट पे किया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या सचमुच में आपने सैलरी पे किया? क्या आपने सैलरी पे किया? नहीं सर, नहीं, हमने कैश पे किया। क्या आपने रेंट पे किया? क्या? नहीं सर, हमने आज तक सर हमने रेंट को देखा नहीं है कि कैसा होता, लाल पीला हरा काला। ये तो नाम दिया गया कि जो पेमेंट कर रहे हैं उसका क्या रीजन आपका है। तो मुझे बताओ जरा कि आपने 20 सैलरी, 30 आपका रेंट, तो आपने कैश जो है, जो कैश है वो कितना पे किया? कैश कितना चला गया? सर 50,000। मेरे बच्चे कैश जो आपका है ना 50,000, यानी कि जो आपके फर्म का जो एसेट है वो 50,000 से कम हो जाएगा। लेकिन जरा बताओ इस 50,000 के पे करने के पीछे का रीजन क्या है? तो 20,000 तो आपका सैलरी है, यानी कि हम क्या करेंगे जी, आपका सैलरी यानी कि जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम 20,000 से बढ़ाएंगे। ये हमारा एक्सपेंस है मेरे बच्चे, और रेंट भी तो हमारा एक्सपेंस है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, रेंट को भी आप यहां 30,000 से बढ़ाएंगे। आपको शायद नहीं पता, ये एंट्रीज बच्चे पता नहीं कितने क्लास के बाद सीखते हैं। आप अभी सीखना शुरू कर दिए, क्लब एंट्री,
क्लब कर रहे हैं, 3-4 नाम, 10, 50, 100 कितने भी नाम हो, हमें एंट्री करने में परेशानी नहीं है। उल्टा बताओ एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, सुनो ना, अरे सुनो ना मेरी बात। देखो सैलरी आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, बोलो जरा मत देखना, वहां पे मत देखना मैंने क्या लिखा है, ना यहां मत देखो। आप बताओ सैलरी अगर बढ़ रहा है, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, तो डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट होगा। मैं आपके खून के एक एक कतरे में इस बात को बैठा दूंगा, अगर कोई बाहर वाला आपके खून को काटे ना, आपके हाथ को काटे, उसमें भी डेबिट क्रेडिट ही उसको नजर आएगा, खून आपको लाल नजर नहीं आएगा, वहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ नजर आएगा। मैं देख लेना, ये काम करने वाला हूं। तो हमने कहा कि यार आप देखो यहां पे दो एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, जितने भी एक्सपेंस बढ़ेंगे सबको डेबिट करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ना ये भी डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ना ये भी डेबिट हो जाएगा, और कैश जो कि एसेट से कम हो रहा है हम इसे क्रेडिट कर देंगे। हो गई बात है? आओ ना एंट्री में कन्वर्ट करें, आओ ना एंट्री में कन्वर्ट करें। जरा बताओ कि एक्सपेंसेस बढ़ना डेबिट, तो एंट्री क्या बन गया? सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है जी आपका? 20,000। रेंट भी आपका एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड। एक ही साथ एंट्री करो। सर हम अलग अलग भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। इकट्ठा कर दो, आपकी मर्जी है। इसकी दो, इसको पे करने का अलग एंट्री कर दो, इसका अलग कर दो, या क्लब कर दो, कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, किसी की हिम्मत भी नहीं है। हाँ, और हाँ, कैश चला गया 50,000, तो क्रेडिट करना होगा। तो जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे हम टू लगाते हैं। आपने कहा टू कैश अकाउंट, बोलो अमाउंट कितना आपका है? तो 50,000 का आपका, 50,000। एंट्री कंप्लीट हो गया, रेंट, सैलरी एंड टू कैश आपका। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूं? सर हां समझ रहे हैं। सर ये क्या पूरा फॉर्मेट है क्या? ना बच्चे, फॉर्मेट पूरा नहीं है। मैंने कहा था पिछली क्लास में, अभी मैं आपको आपके हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, अभी तो आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं। जब सेंटेंस बनाना एक बार सीख लेंगे, तो अकाउंट्स के अंदर में अकाउंटिंग यानी कि कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन आज तो बस हमसे सीख लो कि आपका जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, ये कौन सी बड़ी बात है। जो आज तक बचपन में इंक्रीज डिक्रीज बोला करते थे, उसको हमने क्या किया, डेबिट क्रेडिट में दिखा दिया। इतनी सी बात को समझने के लिए हमें इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है। लो मैं इसको हटा, ना इधर नहीं हटाऊंगा, अभी यहां पे, अब लो मैंने इसको हटा दिया। और टफ एंट्री कर लो, कौन रोकता है? आओ जरा मैं और टफ करता हूं। पांचवा एंट्री इस बार कहता है कि फर्म ने पे किया। कहता है कि आपका रेंट पे किया ₹60,000, रेंट पे किया 60। सर ये तो एंट्री हमें आता है रेंट पे करने का, इसका मतलब कि कैश चला गया और रेंट हम एक्सपेंस दिखा देंगे, यानी कि कैश जाने का रीजन। बिल्कुल ठीक बोला, बट मेरा ये क्वेश्चन है ही नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप आगे आगे ना सोचो, जब आप आगे आगे सोचोगे तो बहुत परेशानी क्रिएट हो जाएगी। मैंने कहा था ना, दिमाग को बिल्कुल स्थिर करो, बिल्कुल दिमाग को स्थिर। आप समझ लो कि इस दुनिया में अगर सचमुच में भगवान अगर है तो आपके सामने खड़े हैं, ब्रह्मा जी में। आपको मजाक लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी था, सच बोल रहा हूं। इस जन्म में मैं आपका उद्धार करने के लिए जन्म लिया, जैसे कृष्ण भगवान जन्म नहीं लिए थे, वो कृष्ण भगवान बनके फिर राम भगवान बनके, उसी तरीके से इस जन्म में मैं ब्रह्मा जी हूं, वही बन के आया हूं आपके पास, वही बन के आया हूं। और सुनो मेरी बात, आपको मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा। देखो आगे पीछे भी नहीं सोचना, आगे पीछे नहीं सोचना, देखो मैं अभी क्या करने वाला हूं, देखो मैं क्या करने वाला हूं। अगर सच्ची में भगवान, अगर ब्रह्मा जी होंगे ना, तो मुझ पर कितना गुस्सा कर रहे होंगे कि देखो मेरा नाम लेता है, हाँ मैं हूं, और मेरे बारे में कहता है कि मैं हूं। बट कोई बात नहीं, कौन चिंता करता है, छोड़ो ना। सुनो मेरी बात। फर्म ने रेंट कितना पे किया? 60,000। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि जो मैंने 60,000 रेंट पे किया ना, उसमें अब मैं यहां पर क्या करूंगा, आपको बता रहा हूं कि मैंने जो गला खराब हो रहा, माफ कीजिए, रेंट जो पे किया मैंने लैंडलॉर्ड को, अपने मकान मालिक को, मेरे बच्चे 60,000 में 20,000 मैंने कैश पे कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया 20,000 रुपए तुम कैश ले लो और बाकी 40 का पेमेंट तुम बैंक से ले लो, चेक के थ्रू। नहीं होता है क्या?
नहीं होता बच्चे। अरे अगर मुझे 60,000 पे करना है तो 60,000 जो पे करना है उसके बदले में आप हमसे कुछ कैश ले लो और बाकी पैसा मेरे अकाउंट से निकाल लो, ये भी तो हो सकता है। तो इस बार कहता है कि फर्म ने पे किया रेंट 60,000, कहता है कि आउट ऑफ विच कॉमा देखे आउट ऑफ विच इसमें से आउट ऑफ विच रुपीज 20,000 बाई कैश, हमने 20,000 रुपए कैश पे किया एंड कहता है एंड रुपीज 40,000 बाकी का अमाउंट आपका बाय चेक, चेक के थ्रू यानी कि बैंक से, चेक कह दे बाय चेक या कह दे बाय बैंक, दैट इज बाय बैंक, मीनिंग दोनों का सेम है क्योंकि चेक अल्टीमेटली बैंक से ही तो निकाला जाएगा, बैंक से तो पैसा निकलेगा। मेरे बच्चे अगर ऐसा कह देता है, अगर ऐसा कह देता है तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ आपके बिजनेस से क्या क्या चला गया, बोलो बोलो क्या क्या चला गया। सर मेरे बिजनेस से 20,000 सर कैश चला गया, सर कैश चला गया, कैश चला गया, और कैश आपका एसेट्स होता है। आपके बिजनेस से मेरे बच्चे 40,000 जो है ना वो बैंक भी कम हो गया, आपके बैंक में जो पैसे वो भी कम हो गए, बैंक भी आपका क्या होता है एसेट्स होता है। और जरा बताओ ये दो जो यानी कि 60,000 जो आपके पास से चला गया, जो 60,000 आपके बिजनेस से चला गया, आप बताओ उसके जाने के पीछे का रीजन क्या बताओगे, बोलो बोलो रीजन क्या बताओगे। सर रीजन हमारा एक्सपेंस है यानी कि रेंट, क्योंकि हम बेनिफिट ले चुके हैं। तो आप यहां पे क्या करोगे जी, आप अपना 60,000 से, 60,000 से मेरे बच्चे रेंट को बढ़ा दोगे, क्योंकि ये पेमेंट जो आपने किया है इस पेमेंट के पीछे का जो रीजन है वो हमारा एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, हम बेनिफिट ले रहे हैं। जब कोई जगह हम यूज कर लेंगे हम उसका बेनिफिट ले चुके हैं, अगर बेनिफिट ले चुके तो एक्सपेंस। सर एडवांस में पे किया हो तो क्या होगा, कभी कभी एडवांस भी पे करते हैं, छोड़ो ना क्यों आगे की बात करते हो, क्यों आगे की बात करते हो, अभी दिमाग यहां रखो ना, सारी बातें समझाऊंगा बस अभी दिमाग यहां पे रखो। आओ ना मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करता हूं, आओ मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करता हूं। देखो जरा यहां पे एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, अरे कैश कम हो रहा है बैंक कम हो रहा है। मेरे बच्चे ये दोनों आइटम्स आपके कम हो रहे हैं, कैश भी कम हो गया बैंक भी कम हो गया। तो बताओ कैश का कम होना क्या करेंगे आप यहां पे, सर क्रेडिट, क्रेडिट। अच्छा बताओ बैंक यानी कि एसेट्स का कम होना क्या करेंगे, सर क्रेडिट। ये दोनों आपने क्या करना है जी, एसेट्स जब भी कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, कोई भी एसेट्स हो, और रेंट जो एक्सपेंस बढ़ रहा है आप क्या करेंगे डेबिट। लीजिए एंट्री कंप्लीट हो गया, ये दो आपने क्या किया जी, क्रेडिट करना इसको आपने डेबिट करना है। कोई डाउट इसके अंदर में, कोई डाउट नहीं सर, नहीं। एंट्री बताओ क्या होगा, एंट्री बताओ क्या होगा, सुनो जरा, आपका रेंट यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, तो मेरे बच्चे एंट्री में आपने रेंट को डेबिट कर दिया, रेंट डेबिट कितने से आपका 60,000। अच्छा बताओ जो 60,000 पे किया आपने, आप मुझे बताओ इससे क्या क्या चला गया, सर कैश चला गया। तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, टू कैश, एसेट्स कम हो रहा है कितने से जी आपका 20,000 से, 20,000। और क्या कम हो गया, बैंक से पैसा यानी कि टू बैंक अकाउंट, बताओ बैंक कितने से कम हो गया 40,000 से। लो आपकी एंट्री यहां पे कंप्लीट हो गई, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, आपको एंट्री करना है बस आप वो पहचानो। डबल एंट्री का मतलब दो आइटम नहीं होता, डबल आइटम का, डबल एंट्री का मतलब जो बुक का आपका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री का मतलब दो आइटम नहीं होता, डबल एंट्री का मतलब क्या होता है जी, डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एक जो आएगा जाएगा वो बताओ और उसके उसके पीछे का रीजन। तो जरा यहां देख के बताओ क्या आया क्या चला गया, सर कैश गया और बैंक गया, क्यों गया, क्योंकि आपका एक्सपेंस हो गया, बस खत्म होगी बात, डबल एंट्री सिस्टम यहां पे। तो हमने यहां पे क्या क्या बातें रिकॉर्ड की, आप प्लीज यहां तो कॉपी करें, जो रेंट पे किया हमने 60,000 हमने उसकी भी एंट्री आपको दिखा दी। अब आप कुछ भी सोचो ना, आप कुछ भी सोचो, आप किसी भी एक्सपेंस का नाम लो, मुझे मुझे विश्वास है कि बातें अब आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं, मैं अब इसको, सर इसको क्यों नहीं मिटाते, क्योंकि मुझे यहां पे अभी बातें समझानी है मेरे बच्चे। आप ना सिक्स्थ एग्जांपल पे आप आइए, सिक्स्थ एग्जांपल पे
सिक्स एग्जाम्पल पे आपको एनफ प्रैक्टिस करना है, एनफ प्रैक्टिस करना है और मैं कराऊंगा। आप ले चला आ जाओ एग्जाम्पल नंबर सिक्स के पास, यहाँ पे सिक्स के पास। और इस पर ना बातें अब मैं डायग्राम पे करूंगा। दोबारा बात यहाँ पे, आप कौन हो? टाटा। टाटा के मेरे बच्चे आप अकाउंटेंट हो, आप इनकी अकाउंटिंग कर रहे हो। ये महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल का। मैं कौन हूं? मिस्टर ए, आपका एक इम्प्लॉय हूं। मैं आपका एक इम्प्लॉय हूं मेरे बच्चे, इम्प्लॉय हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। बताओ सर आगे क्या हुआ? पता इस बार क्या हुआ मेरे बच्चे, पूरे अप्रैल के महीने में मैंने आपके पास काम किया, पूरे महीना मेहनत किया, पूरे महीना, और एंड में आपके पास आया। मैंने कहा कि टाटा भैया मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी सैलरी पे करो ना। तो आपने कहा कि ठीक है जी, आपकी सैलरी जो है ना वो 20,000 मैं आपको पे करने वाला हूं, मैं पे करता हूं। आपने ऐसा कहा, लेकिन पता है मैं जब आपसे सैलरी मांगने आया था, 20,000 रुपये मान लो पर मंथ मेरी सैलरी है, मेरे बच्चे मेरे आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था। आपने पूछ दिया कि सर क्यों रो रहे हो, क्या बात है? हमने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा जो कुत्ता है वो बीमार है, मेरा कुत्ता बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। आपने पूछा कितने पैसे, हमने कहा कि हमें 20,000 रुपये और दे दो। मतलब मैंने कहा कि देखो जी अप्रैल का महीना है, इसकी तो सैलरी आप मुझे पे कर ही दो, अगला महीना जो मई का आएगा, अगला महीना मई का, वो भी सैलरी मुझे अभी पे कर दो, मुझे अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरा कुत्ता मर जाएगा, मुझे पैसे जल्दी से प्लीज पे कर दो। आपको भी मेरे कुत्ते पे दया आ गया बच्चे, मुझ पर दया नहीं आया, मेरे कुत्ते पे दया आ गया। और आपने कहा कि ठीक है मैं एक काम करता हूं, 20,000 अप्रैल का एंड 20,000 मई का, आपने मुझे यहां पे टोटल कितना पे कर दिया? 40,000। ये लो 40,000 मेरे बच्चे, आपने क्या किया? कैश पे कर दिया, यानी कि टाटा के पास से कैश चला गया 40,000, जो आपका क्या होता है जी, एक एसेट होता है। सुना मेरी बात? मान लो पर मंथ सैलरी जो मेरा आपके पास, मैं जो इम्प्लॉय हूं, वो 20,000 है, मैंने सिर्फ अप्रैल के महीने में काम किया, एंड में आके बोला कि देखो जी 20,000 जो अप्रैल का है मुझे ये पे कर दो, और अगले महीने की जो सैलरी है ना वो भी मुझे अभी एडवांस में दे दो, मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ घर में काम है। और 40,000, 20,000 यहां और 20,000 रुपए यहां, यानी कि अप्रैल के एंड में आपने 40,000 मुझे पे कर दिया। 40,000 मान लो आप एंट्री का पास कर रहे हो जी, यहां पे एंट्री पास कर रहे हो, आपने 40,000 पे कर दिया। सिर्फ इतना बताओ मेरे बच्चे, सिर्फ इतना बताओ कि अगर अप्रैल के एंड में यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एक्सपेंस कितना हुआ, तो बताओ आप एक्सपेंस कितना बताओगे? बोलो बोलो। मैंने कहा ना, मैंने अप्रैल के महीने में काम किया, मई के महीने में अभी काम नहीं किया है, अभी काम नहीं किया, हमने उसका पैसा आपसे एडवांस में ले लिया, बोला कि अगले महीने काम कर दूंगा और उसको एडजस्टमेंट करा दूंगा। मेरे बच्चे काम नहीं किया, तो आपने टोटल पे कितना किया? 40,000। बताओ आपका एक्सपेंस कितना हुआ, बताओ आप एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे? सुनना मेरी बात ध्यान से, आपका जो एक्सपेंस हुआ मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आपका 20,000 हुआ है। आपका जो एक्सपेंस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपका 20,000 है। तो 20,000 क्या करोगे आप? अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। कौन सा 20,000? ये 20,000 जिसका आप मेरा बेनिफिट ले चुके हो। देखो ना, जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ले चुके हैं वही आपका एक्सपेंस होता है, जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ले चुके हैं ऑलरेडी टेकन वही एक्सपेंस होता है। मानता हूं कि आपने 40,000 पे किया है, लेकिन मेरे बच्चे बेनिफिट तो सिर्फ 20,000 का ही लिया है। कहां बोला था कि पैसा पे करना एक्सपेंस होता है? हम स्टार्टिंग से आपको ये बात बताया जा रहे हैं कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है। तो 20,000 ही एक्सपेंस, जिसका नाम आप क्या देंगे जी? सैलरी। सैलरी जो आपके एक्सपेंस है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 20,000। जरा बताओ, जो पेमेंट आपने मुझे मई का किया है, क्या आप इसके बदले में बेनिफिट ले चुके हो? क्या आपने जो पेमेंट मुझे मई का किया है, क्या उसका बेनिफिट ले चुके हो क्या? नहीं सर, नहीं। जो पेमेंट आपने मुझे मई का किया है उसका बेनिफिट अभी आगे लेना है।
हम बात अप्रैल के एंड में कर रहे हैं, उसका बेनिफिट अभी लेना है। और सुनो ना, जिसका बेनिफिट आपको अभी फ्यूचर में लेना है मेरे बच्चे, वो आपका एसेट्स होता है। मैं आपको बहुत गहराई में लेके जा रहा हूं, मुझे डर भी लग रहा कि कहीं बातें आपको समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन फिर अंदर से एक विश्वास भी आ रहा कि ना आप बच्चे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 40,000 पे क्या समझ में आया, चलो आपके पास से कैश 40,000 चला गया, लेकिन जो 40,000 पे किया इसके रीजन को रिकॉर्ड करना है। तो मेरे बच्चे रीजन में अपना एक्सपेंस कितना दिखाया, सिर्फ 20,000। अभी 20,000 का बेनिफिट अभी आगे लेना है, बेनिफिट अभी लेना है। और जो बेनिफिट अभी आगे आपको लेना है वो आपका एसेट्स है मेरे बच्चे, वो आपका एसेट्स है। और उस 20,000 को, हम सैलरी नहीं बोलते, हम उसे प्रीपेड सैलरी बोलते हैं। प्रीपेड सैलरी, ये नाम शायद मैंने पहले कभी यूज किया था, प्रीपेड, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। प्रीपेड, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या जी, पहले। प्री का मतलब होता है पहले, ये देखो पहले। और पेड मतलब पे कर दिया, पेड का मतलब क्या, पे कर दिया। लो पे कर, कैसे लिखते हैं, पे कर दिया, है ना। तो जो हमने पहले पे कर दिया है बिना बेनिफिट लिए बगैर, हम उसको क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। ये गंदा लग रहा है ऐसा मुझे लिखना, तो आप समझ गए होंगे मैं ऐसे लिखूंगा, काम खत्म हो गया। 40,000 पे किया माना, लेकिन 40 में जो बेनिफिट लिया वही मेरा एक्सपेंस है। बेनिफिट हमने 20 का लिया मेरे बच्चे, वो एक्सपेंस है, बाकी 20 मेरा एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। वो मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरा एसेट्स है, जिसको आगे अभी मुझे इंजॉय करना है। सुनो ना, एंट्री क्या करूंगा, एंट्री बाद में जरा बताओ, अब पहचानो क्या बढ़ना क्या घटना। एसेट्स आपका कम हो रहा है, एसेट्स कम होना जरा बताओ क्या करोगे, सर क्रेडिट। एसेट्स कम होना क्या किया जाएगा, क्रेडिट आपका, ठीक है ना। एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, आप बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा, डेबिट। एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा, डेबिट। एसेट्स आपका बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, बताओ एसेट्स का बढ़ना क्या किया जाएगा, डेबिट। मैंने कहा तो है बच्चे, कोई भी एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। देख रहे हो आप, यहां पर एसेट्स हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों में से कोई भी बढ़ना डेबिट और घटना क्या होगा, क्रेडिट होगा, वही काम कर रहे हैं। आप देखो 40 आपके पास से कैश चला गया, इसमें से 20,000 आपने एक्सपेंस एंड 20 को आपने यहां पे एसेट्स रिकॉर्ड किया है, एसेट्स रिकॉर्ड किया। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ, बोलो ना, आप इसकी एंट्री कैसे बनाओगे, आओ जरा सिंपल शब्दों में। ये देखो हमें ये दो नाम डेबिट करना है, एक क्या जी, सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कितने से आपका, 20,000। आप बताओ प्रीपेड सैलरी, एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स का बढ़ना भी डेबिट किया जाएगा। आपने क्या किया, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड। सर दो दो नाम डेबिट करेंगे कैसे, सवाल कैसा सवाल है, दो क्या मैं 50 नाम डेबिट करूंगा, 100 नाम डेबिट करूंगा, जितने डेबिट होगा होने दो। जैसे यहां पे आपने दोनों को बोला इंक्रीज किया तो दोनों को इंक्रीज दिखाएंगे। और हाँ, टू क्रेडिट कर रहा हूं कैश को, टू कैश अकाउंट, बोलो कैश कितना चला गया आपका, 40,000। मेरे बच्चे अगर हमें अकाउंट्स आता है तो हम कहेंगे कि भैया 40,000 जो कैश चला गया ना, इसमें से 20 मेरा एक्सपेंस हो गया, 20 अभी हमारा एसेट्स हो गया, क्योंकि अभी हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया है। आई बात समझ में, बात समझ में आई सर? हाँ सर, सर ये बात समझ में आ गई, सर ये बात समझ में आ गई। बोलो ना सर अब आगे क्या करना है। कुछ नहीं, मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, एसेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट आपको आगे मिलना है, एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट ले चुके हैं वही काम किया। हमने 40 पे किया, 20 का बेनिफिट ले लिया, वो एक्सपेंस हो गया, 20 अभी बेनिफिट लेना एसेट्स आपका है। और यहां देख लो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम, कैश कितना चला गया, 40,000, तो 40,000 कैश चला गया। रीजन क्या है जी, 20 एक्सपेंस से 20 हमारे एसेट से, खत्म हो गई बात। ऐसे क्यों देख रहे हो आप, गलत बता रहा हूं क्या, गलत बता रहा हूं मैं आपको? नहीं सर, नहीं गलत तो नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा ना सर टफ लग रहा है, मत बोलो ये शब्द मत बोलो बच्चे, अगर टफ बातें कह दोगे ना तो फिर तो दुनिया खत्म होने वाली है। अभी 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 एक न्यूज मैंने सुना, अभी एक कोई अमेरिका का आपका साइंटिस्ट है जो कहता है कि 600 ईयर्स तक हमारी अभी अर्थ काम करेगी,
600 वर्षों के बाद अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। अभी मैंने न्यूज सुना था, एक नाम बोल रहा हूं मैं, क्या नाम था उसका, साइंटिस्ट का है कुछ नाम है, मैं बोल रहा हूं, बट उसने ऐसा कहा। लेकिन 600 वर्ष तक तो जीना है, लेकिन अगर आपने आज ही टफ कह दिया ना, तो मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि आपकी जिंदगी आज ही खत्म हो गई, अब इस जीने से कोई फायदा नहीं है। क्यों टफ लग रहा बताओ, ऐसी ऐसी बातें टफ लगने लगी तो फिर क्या फायदा जीने का। अरे आप ही का लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में समझा रहा हूं, आप नहीं कहते थे कि राम बड़ा हो गया, श्याम बड़ा हो गया, मोहन हो गया और सोहन जो छोटा ही रह गया, वही तो बड़ा छोटा यहां पे कर रहे हैं। एसेट्स एक्सपेंस बड़ा हो गया, बढ़ गया तो डेबिट कर दो, छोटा हो गया तो क्रेडिट कर दो, क्या इससे बड़ी बात है बताओ जरा। उस नाम को ढूंढ रहे हैं, और नाम ढूंढना भी आपने बचपन से सीखा है, याद करो लुका छिपी आप खेला करते थे, नहीं छुपन छुपाई खेलते थे आप, वो आप दोस्त कहीं कहीं आपके छुप जाते थे, आप उनको ढूंढा करते थे, वही तो यहां पे ढूंढ रहे हैं हम, वो दोस्त ढूंढ रहे हैं बचपन के जो छिपे हुए हैं। और यहां पे तीन दोस्त नजर आए, एक दो और तीन आपका, तो हमने क्या किया, उसको एंट्री में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। कोई डाउट इसके अंदर में? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको यहां पे एंड कराता हूं इस बात को, सर क्लास क्लास नहीं, कॉन्सेप्ट अभी यहां पे खत्म हुआ, हमने आपको सिर्फ बताया है कि एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, उनका मैं बहुत इनडेप्थ मीनिंग तक लेके जा रहा हूं, ताकि अकाउंटिंग में आपको कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। सेवेंथ एग्जाम्पल आओ जरा एक बार देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूं, अच्छा सा एक, अच्छा सा आपका। सर एक बात बताओ, पूछो क्या पूछ रहे हो। सर आपने जो अभी लिखना नहीं, आपने जो अभी समझाया था कि 40,000 हमारे पास से कैश चले गए, हमें अच्छा लगा। आपने कहा कि 20,000 इसमें से आपका एक्सपेंस है, हमें अच्छा लगा। और आपने कहा कि सर 20,000 आपका यहां पे एसेट्स है, जिसका नाम दिया आपने प्रीपेड सैलरी, सर हमें ये भी अच्छा लगा, सर ये भी ठीक है। ये सब हमने किसको पे किया था, मिस्टर ए को, एम्प्लॉय को। सर इसका नाम नहीं आएगा? नहीं बच्चे, इसका नाम क्यों आएगा, हमने इसी नाम को तो हमने यहां पे किया, इसी नाम को हमने सैलरी और इससे दिखाया आपका। तो जब हमने इनका पेमेंट कर दिया ना, इनका हिसाब कर दिया, ध्यान देना, जब इनका हिसाब हो जाएगा तो फिर इनका नाम क्यों लिखेंगे। तो हमने ये काम खत्म किया, ये नाम यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। और बातें आएंगी, थोड़ा सा सब्र करना, मैं इसको और इनडेप्थ लेके आऊंगा, बट फिलहाल आपने यहां पे बातें खत्म की। आइए जरा अगला पॉइंट आपका, कहता है कि फर्म परचेज्ड मशीन फॉर ₹1,00,000 एंड बिल्डिंग फॉर ₹2,00,000। तो मशीन 1,00,000 का और बिल्डिंग 2,00,000 का, कितना हो गया, 3,00,000 रुपए। कहता है कि द अमाउंट, लिखेंगे इसी में, द अमाउंट वॉज पेड, पे किया गया। देखो एक और दो 3,00,000 का पेमेंट करना है ना सर, हां, तो 3,00,000 में कहता है द अमाउंट ऑफ पेड ₹140 इन कैश एंड ₹160,000 बाय चेक से पेमेंट किया। चेक मतलब क्या हो गया जी आपका, बैंक से पेमेंट करना, ठीक है ना। वो जो आपका यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर में, तो मेरे बच्चे आओ जरा हम इसमें ढूंढे कि हमारे दोस्त यहां पे कौन कौन है, जरा बताओ कौन कौन सी खुशियां हमारे घर में आ रही हैं, एक मशीन और एक बिल्डिंग। बताओ जरा आपके पास मशीन बढ़ रहा है, आपके पास मशीन जो आपके पास बढ़ रहा है एसेट्स, वो कितने से बढ़ रहा है, 1,00,000 से। आप जरा बताओ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग वो आपके पास कितने से बढ़ रहा है, बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है, सर 2,00,000 से। तो 1,00,000 का आपका मशीन एंड 2,00,000 की बिल्डिंग बढ़ गई। लेकिन मेरे बच्चे जब ये 3,00,000 के एसेट्स आए तो कैश चला गया आपके पास से, कितना चला गया, 140। और जरा बताओ बैंक से पैसे हमारे पास कितने चले गए, सर 160।
160. 1,00,000 रुपए का मशीन आया, 2,00,000 की बिल्डिंग आई, हमारे पास से 140 कैश चला गया, 160 बैंक से पैसा चला गया। इसमें कोई डाउट? यही हुआ ना, वो चार नाम ढूंढ लिए, यहां कोई एक्सपेंस की बात ही नहीं है, एक्सपेंस की यहां बात ही नहीं है। हमने जो लिया है वो आपका मशीन और बिल्डिंग, वो तो अभी आगे यूज किया जाएगा, इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारे एसेट्स होते हैं। और जो हमारे पास कैश और बैंक में पैसे पड़े हुए थे, जो हमारा एसेट्स था, वो चला गया हमारे पास। एंट्री बताओ इसका। तो मेरे बच्चे आप देखो ना, एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, कैश कम हो गया क्रेडिट करेंगे, आपका बैंक कम हो गया क्रेडिट करेंगे, तो बताओ जरा एंट्री क्या बन जाएगा? बताओ एंट्री क्या बनेगा? सुनो ना, सुनो ना, मशीन बढ़ रहा है, एंट्री में मशीन यानी कि एसेट्स को आप डेबिट कीजिए, मशीन अकाउंट डेबिटेड, कितने से? 1,00,000। आप देखो बिल्डिंग बढ़ गया, करो ना डेबिट बच्चे इसको भी। कोई भी एसेट्स अगर आपके बिजनेस में बढ़ेगा, कोई भी, आप डेबिट करेंगे 2,00,000 का अमाउंट आपका। कैश चला गया, लिखो यहां पे 2 कैश अकाउंट, एसेट्स कम हो रहा है क्रेडिट किया जाएगा 140, और बैंक भी कम हो गया बच्चे 2 बैंक अकाउंट। बताओ बैंक हमारा कितना कम हो गया? 160। तो 1,60,000 का अमाउंट आपका। हो गई बात कंप्लीट? बात हो गई। मैं कुछ ऐसा ना देखो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा रहा हूं, इट्स सो सिंपल। जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट करो। एसेट्स का एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट होगा। पता है एक काम करना, मेरी एक बात सुनो, ये ना ये बात आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए एक तरीका है बच्चे, वो तरीका आज मैं बताता हूं। जब सुबह में, जब बहुत सुबह आपके मम्मी पापा आपको उठाएंगे और वो बोलेंगे कि बेटा या बेटी गुड मॉर्निंग, आप बोलना ना पापा ना, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है और घटना क्रेडिट होता है। अगर आपके मम्मी पापा रात को सोने समय कहते बेटा गुड नाइट, बोलना ना पापा ना, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है। यही काम करना, बिलीव करो, अगर ऐसा आप कर गए ना, तो आप क्या आपके कॉलोनी में, आपके घर में जितने सारे लोग हैं उन सबके अंदर में अकाउंट्स का कीड़ा आ जाएगा और वो अकाउंटिंग टर्म में बात करना शुरू कर देंगे। हाँ थोड़ी पिटाई लग सकती है अगर उनको गुस्सा आ गया कि क्या ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है, लेकिन पिटाई का परवाह नहीं करना, वो तो रोज खाते हो आप, एक बार और खा लिए तो कौन सी बड़ी बात होगी बच्चे, खा लो ना, माँ बाप है अच्छा लगता है उनसे पिटाई खाना, लेकिन जो बातें समझा रहा हूं वो करना। घर में कोई गेस्ट आएगा, क्या हाल चाल है, ना 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 ना, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट होगा। जा रहे बेटा घर, ना 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 ना, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट होगा, बात खत्म हो गई। आप करो ऐसी बातें, आप करो ऐसी बातें। किसी डॉक्टर के पास जाना, बोले क्या दर्द है, कोई दर्द नहीं है, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट होगा, आप उनको भी सिखा दो। ये अकाउंट्स जो है ना, ये फैल जाना चाहिए दुनिया के हर एक कोने में, यही आप बात रखना और कुछ भी नहीं है। आज हम मेरे बच्चे क्लास को हम यही रोकेंगे, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, आज हमने क्या किया, एसेट्स और एक्सपेंस को बहुत हद तक समझाने की कोशिश की एंट्री के अंदर में, लेकिन एक्सपेंस का डेफिनेशन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है, चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ। आज तो क्लास में एक्सपेंसेज का पेमेंट हो गया, हमने रेंट पे कर दिया, सैलरी भी पे कर दिया, कैश भी, वेजेस भी पे कर दिया, लेकिन क्या होगा जब पेमेंट ना हो, जब बात कुछ बकाया हो तो फिर क्या करेंगे? अगली क्लास की शुरुआत यहीं से करूंगा और क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आपने क्या करना है, आप प्लीज प्लीज एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की सारी क्लास का एक बार प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर लें। अगली क्लास में कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करूंगा, बहुत मजा आने वाला है अकाउंट्स में, इस बात की गारंटी देता हूं। तब तक आप सबको मेरे बच्चे बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।